जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नवाली 2.5। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और बहुपद के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर पार्ट 15 के बाद एक शॉर्ट वीडियो है, वहां पर मैंने सर सिमिकाएँ के जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मैंने वह बताया है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसे अपने नोटबुक में उसे लिख करके याद कर ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब यदि इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपयुक्त सरसमिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि सरसमिकाओं के जरिए हम लोग क्या करना है कि सारे का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर जो है सरसमिका के जरिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 10 है। तो ये जो सरसमिका जो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के जरिए हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालें, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या होता है, इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्या होगा, एक्स होगा, फिर क्या होगा प्लस ए बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो क्या होगा एक्स प्लस 4 क्या होगा एक्स प्लस 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए के जगह पर 4 है और बी के जगह पर 10 है और एक्स के जगह पर एक्स है, तो यहाँ क्या होगा एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, ए के जगह पर क्या होगा 4 होगा प्लस बी के जगह पर 10 होगा, फिर क्या होगा एक्स होगा प्लस, और ए बी क्या इंटू में, तो क्या होगा 4 इंटू क्या होगा, सॉरी 4 नहीं, वहाँ 4 इंटू क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर 4 और 10 क्या होगा 14 इंटू क्या है एक्स है, फिर क्या होगा यहाँ पर 40, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 14 एक्स प्लस क्या होगा 40, ये हो आपका क्या गुणनफल, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10। ये जो सरसीमिका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के जरिए बनेगा, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको जो है इस फॉर्म में रखना है, तो क्या होगा x प्लस 8 होगा, फिर क्या होगा x प्लस है तो प्लस देंगे, लेकिन ये माइनस 10 क्या होगा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, है ना। अब क्या होगा, अब फॉर्म में रखेंगे इसके फॉर्म में, तो क्या x का होल स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा a के जगह पर क्या है 8 है प्लस है फॉर्मूला में, और क्या है उसके बाद b के जगह पर क्या है माइनस 10 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्या होगा होल ब्रैकेट होगा, ठीक है। फिर x होगा प्लस a के जगह पर क्या है 8 है इंटू बी के जगह पर माइनस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 8 प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा माइनस 10 होगा, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स होगा बाहर में, और क्या होगा प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा और 8 जा क्या होगा 80 होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस और ये 10 में से 8 जाए तो माइनस 2 बचेगा इंटू एक्स होगा और माइनस 80, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x माइनस 80, ये हुआ आपका दूसरा आंसर, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो ये सरसमिका जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के जरिए क्या होगा, इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इसका इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या होगा ए इंटू बी, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन जो दिया है इस सरसमिका के प्रूफ में लिखना है, ठीक है। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है, 3x है प्लस, और a के जगह पर 4 है ना, और x के जगह पर क्या है, 3x है, और फॉर्मूला में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, लेकिन b के जगह पर क्या है, माइनस, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, ठीक है। और ये छोटा ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट देंगे, उसके बाद क्या होगा कि x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि x के जगह पर 3x दिया है, क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, और a के जगह पर क्या है, 4 है, और a प्लस है तो प्लस देंगे फॉर्मूला में, और b के जगह पर क्या है, माइनस 5, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर क्या होगा, होल ब्रैकेट होगा, उसके बाद x होगा, फिर क्या होगा, प्लस a के जगह पर क्या है, a के जगह पर क्या है, 4 है इंटू b के जगह पर माइनस 5, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करूँगा, 3x का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर होगा, 4 होगा, अब देखिए प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा, माइनस 5 होगा, ठीक है, और यहाँ x होगा, अब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा, माइनस 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 5 में 4 जाए तो कितना बचेगा, माइनस 1 इंटू क्या होगा, x होगा माइनस 20, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, 9x स्क्वायर, अब जब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस x में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 20, ये हो आपका आंसर। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये जो सरसमिका, ये जो सरसमिका है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यदि यहाँ पर प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा तो ये इस फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, y का स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या है, 3/2, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है माइनस रहेगा तो क्या होगा, y का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 3/2। तो देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर, तो है ना, x का स्क्वायर, तो x का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, लेकिन x की जगह पर y का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, y का स्क्वायर होल क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, y की जगह पर क्या है, 3/2, तो क्या होगा, 3/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, y का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस यहाँ पर होगा 9/4, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, 3-2x इंटू 3+2x। तो ये जो है सरसमिका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के जरिए गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो लेकिन देखिए माइनस वाला कंडीशन इधर दे दिया है, लेकिन क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+2x है ना, इसको मैंने लिखा, उसके बाद इसको लिखा माइनस, सॉरी 3-2x है ना। अब क्या है कि x के जगह पर 3 है, तो क्या होगा यहाँ पर, 3 का होल स्क्वायर होगा माइनस, और y के जगह पर क्या है, 2x, तो इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, y के जगह पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और मैंने जो भी इस क्वेश्चन में बताया है, यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नवाली 2.5 का 2 नंबर का मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज का वीडियो ये समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।